अरे बहन आइए आइए। वालेकुम सलाम भाई साहब, आपको फोन करते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला तो खुद आ गए। वो बहन फोन मेरा खराब है और मोबाइल में रखता नहीं, आइए ना। अच्छा ही करते हैं, इस अजाब से बचे में आप। या बस जितने अजाब कम हो उतना ही अच्छा है। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम इरफान बेटा, तुम? जी बस सर से मिलने आया था। प्लीज तशरीफ रखें। और कैसी हैं आप? बस भाई साहब, जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूं, और करना क्या है। मायूसी कुफ्र है बहन, यकीन बेनियाजी, अल्लाह वालों के लिए यही करेंसी है वाहिद। आपको मालूम होगा भाई साहब, जाहिर है कि हम किस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जी मैं जानता हूँ, इरफान इसी सिलसिले में आए हुए। भाई साहब, अली तो उस लड़की के पास बाहर जाने पर तुला है, आपकी बहुत इज्जत करता है वो। मैंने सोचा आपसे कहूँ कि आप उसे समझाएं। मैं उसको समझाऊं? वो तो खुद बहुत समझदार है बहन, लेकिन बस ये हो रहा है कि आजकल जो हरकतें कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रही। बस अली भाई, अब तो पायल के अलावा कोई चीज नहीं सोचते, किसी चीज के बारे में बात नहीं करते। मम्मी को डर है कि अली भाई कहीं उनके पीछे ना चले जाए। अरे ऐसा नहीं है बेटा, कहाँ जाना है उसने, इतनी गहरी जड़ें कैसे उखाड़ेगा। सर वो मैं कर चुका है। वो लड़की अगर मुसलमान होती तो भी मैं सबर कर लेती, लेकिन फिलहाल तो पायल और अली का कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना है जिसकी वजह से आपको डर हो कि वो हिंदू है या मुसलमान, और फिर वो हमारी रिवायतों को जानता है। सर मैं भी अम्मी को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये मान ही नहीं रही है, पता नहीं इनके वहम क्यों सच बनाना चाहती। बेटा ये माँ है और माँ ऐसी ही होती है। क्या करूं भाई साहब, डरती हूँ। मैंने सारी जिंदगी इन दो बच्चों के साथ अकेले बड़ी एहतियात से गुजारी है। अब जबकि माजी ज्यादा और मुस्तकबिल कम रह गया है तो चाय पी के जाती ना? नहीं नहीं भाई साहब, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरा दिल बेचैन हो रहा था तो मैं। वो टैक्सी भाई ने खड़ी है सर। बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि आप कुछ खाए पिए बगैर जा रही है। नहीं भाई साहब, बस आप अली को समझाइएगा ज़रूर। जी वैसे आप बेफिक्र रहे, मुझे यकीन है अली ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी हो। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। मना तो वो शख्स करता है जो मौजूद है, तो यहाँ है ही नहीं। क्या? अर्शस। उसे मिले बगैर? निदा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये मिस्टर अली का फैसला है, मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है उनके बारे में। क्या मतलब? क्या वेट वेट वेट, ये सब वन साइडेड चल रहा है। हम कोई और बात करें प्लीज। कैसे कर लूं कोई और बात, भाई तो तुम्हें लेने आ रहे हैं, और वैसे भी मेरी बुक्स में तो मैंने तुम्हें भाभी बना लिया। इस चीज की कोई चांसेस नहीं है निदा, प्लीज तुम उनको मना करो यहाँ आने से, वैसे भी हम लोग इस किस्म के इम्तहान से गुजर चुके हैं। अरे वो सुन किसकी रहे हैं, तुमसे मिलने के बाद उनकी हेयरिंग काफी मुतासर हुई है। I'm not kidding निदा, प्लीज उनको मना करो यहाँ आने से, इधर आने का कोई फायदा नहीं है।
बल्कि मेरी मॉम डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। थैंक्स। ओके, बाद में बात करेंगे। बाय। आप 10 सेकंड पहले आते ना तो मैं पायल से बात करी थी। मैं बताने आया था कि मैं जा रहा हूं। अच्छा, कहां? मॉरिशस। वो तो हमें भी पता है, लेकिन कब? अभी। क्या भाई? नेता, मैं आ जाऊंगा वापस। मुझे तो लग रहा था कि आप मजाक कर रहे हैं। आपके बगैर पीछे क्या होगा? कुछ हो जाएगा, मैंने इरफान से बात कर ली है। वो हमारे इरफान भाई कुछ नहीं लगते सकते हमारे। कब तक आएंगे? 3 हफ्ते में आ जाऊंगा। भाई, पायल ने वहां आने से साफ मना किया। क्या मतलब? पायल मुझे कह रही है जो अली साहब सोच रहे हैं वो उनकी सोच, आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम पायल से मेरी बातें क्यों करते हो? ये मेरा मसला है। ये सिर्फ आपका मसला नहीं, सबका मसला। दा तुम प्लीज नेता, मेरे पास इस वक्त टाइम बिल्कुल नहीं है। अपने मम्मी को बताया? नहीं। क्या मतलब? आप मम्मी से मिले बगैर चले जाएंगे? तुम्हें पता है ना वो क्या क्या कहेंगे। आप क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे? आप जानते हैं कि उन्हें बताए बगैर जाएंगे तो क्या? नेता, तुम प्लीज उन्हें समझा लेना, मेरी बहन नहीं हो प्लीज। यार, मैं कैसे बाप खुद रियलाइज करें? नेता प्लीज प्लीज। तनिया के साथ क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी के कमरे में गया था मैं, लेकिन वो सो रही थी। बता देना उन्हें, ठीक हो निदा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिर इस तरह से चुपचाप क्यों बैठी? मैं सोच रही थी कि सब कुछ कैसे होगा। क्या क्या सोच रही है? कुछ नहीं, अब आप मुझे पैसे दे दें, मैं सौदा और आपकी दवा ले गया। क्या मतलब? अली नहीं लेकर आएगा आप? उसने मेरी दवाइयां लाने से भी मना कर दिया है क्या? मना तो वो शख्स करता है जो मौजूद है, वो तो यहां है ही नहीं। क्या Mauritius? Ali? मतलब मुझसे उसे मिले बगैर? अभी
की वजह से। तो क्या हुआ, क्या हुआ अगर उन्हें मोहब्बत हो गई पायल से? उनकी शादी होनी ही थी ना एक ना एक दिन, करवानी ही थी आपने। करने थे उसे मुसलमान, बड़ा मसला बना दिया आपने कि आपसे मिले बगैर चले गए। आ जाएगा ना मेरे पास? नहीं पता, मुझे नहीं पता। बस तूने अभी फोन करे उतर के फौरन वापस आना मुझे। उनके बगैर नहीं रह सकती। Excuse me, I'm Ali Farhan. You? Oh yeah, I'm Rahul. Rahul? Payal ne bheja tumhe lene ke liye. Boyfriend uska. Ji? What ji? Nahi, wo usne kabhi zikr nahi kiya aapka. To share karna bhi nahi chahiye. Kya nahi, bahut private si cheez hoti hai. Are ghar se शेयर करना बनता है बोलो। आपके पास से वो बैड लक की वजह से आ गई। एनीवे, आपका यहाँ के होटल में अरेंजमेंट है और यू वांट मी टू फाइंड समथिंग फॉर यू? नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं लेने के लिए भेजा गया मुझे, तो मैं ड्रॉप करूंगा ना? नहीं, आई एम सॉरी आपको तकलीफ हुई, लेकिन मैं खुद चला जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, एज़ ऑलवेज। एनीवे, एंजॉय योर स्टे। है अपने कागजात, पेपर्स, पासपोर्ट, एनीथिंग यू हैव, तुम यहाँ पे आसानी से लेकर चल फिर सकते। क्या है ना, यहाँ पे चोर नहीं है। हाँ, दिस फॉर यू। एंजॉय इट। हेलो। इसकी जरूरत नहीं थी पायल, तुमने खामखा तकल्लुफ किया। तकल्लुफ तो आपने किया है मिस्टर अली, हमने कहा। तुमने कभी राहुल अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं किया। इसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई पायल। जी, तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कहाँ? घर? हाँ, और कहाँ। I'm sorry, Mr. Ali, आपकी बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन मैं आपको घर नहीं बुला सकती। क्यों, क्या हुआ? मैंने वापस मॉरिशस आते हुए आपसे कहा था कि यहाँ पे मत आए। और तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? Yes, I know. इसीलिए मना किया था। आई डोंट लव यू मिस्टर अली,
बट आई डोंट बिलीव यू। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। हम ना पाक लोग हैं आप लोगों के लिए, खुद को गंदा करने क्यों इतनी दूर आ गए आप? पायल, मुझे आज तक तुमसे मोहब्बत के बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन मैं आपसे मिल लेती हूँ। थैंक यू। और सुनो, मेरे नाम के साथ साहब मत लगाया करो, मुझे आप कहना भी छोड़ दो। I'll be waiting. Okay. पायल, मैं आपकी मुश्किलात बढ़ाने नहीं, शायद कम करने आया हूँ। क्या जानते हैं आप मेरे घर के बारे में? ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मुश्किलें बनेंगी। क्यों मिस्टर अली, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? जबरदस्ती से तो ना कहो, मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। I love you. But I don't love you. और आप कुछ छोड़ कर नहीं आए, मेरा सब कुछ छुड़वाने आए। कैसी बातें कर रही हो पायल? सही कह रही हूँ, मुझे किसी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत नहीं है जो यहाँ आए और इस गैस से रेस्क्यू करे मुझे। आई एम हैप्पी इन माय लाइफ। मोहब्बत सिर्फ कैदियों से तो नहीं की जाती पायल। सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, और अगर मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो जगह ना देखी होती तो तुम्हें सब कभी ना कहता। It's just because you were kind to me. मुश्किल में थी मैं, आपने मदद की मेरी, that's it. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। One thing I know, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं रह रही हूँ। मुझे लगता है सब कुछ बदल जाएगा जब तुम मुझे मिलोगी। ये पानी, ये पत्ते, सब कुछ बदल जाएगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। को क्या तुमसे? We are two different people, Mr. Ali. Please, ये Mr. कहना बंद कर दो। I don't need your respect, I need your love. Whatever. लेकिन मेरे पास सिवाय रिस्पेक्ट के कुछ नहीं है आपके लिए। और एक बात, अगर आपको ये लगता है ना कि आप मुझे कन्वर्ट करके पाकिस्तान ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग तो हमारे बर्तनों में खाना तक नहीं खाते, मेरे साथ जिंदगी कैसे गुजारेंगे? पायल, खेलना चाहते हैं ना मुझसे? हाँ, मत गिराओ मुझे। सब मर्द गिरे हुए होते हैं, ये मोहब्बत चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। एंड आई हैव सीन दिस विद माय ओन आईज। वो लड़की नहीं है जिससे जिससे मैं मिला था। Why, Mr. Ali? जब एक चीज मैं चाह ही नहीं रही तो आप जबरदस्ती क्यों देना चाहते हैं? Besides that, I'm committed. मैं जानता हूँ तुम ये सब किसी बात के रिएक्शन में कह रही हो, आई नो दैट। मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसने तुम्हारी अम्मी को दुख दिए। तुम क्या हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखो बस। Whatever. I have to go. My boyfriend is waiting. Payal, I have told you. लव शव कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट वन बिग ट्रैप। प्लीज कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। कैसे दूर रहूं जबकि मैं भी उस मोहब्बत का एक लम्हा हूं?
पायल, your travel agent is a very good salesman. I'm impressed. Yeah, right. टिकट लेने गई थी, घर ही ले गए. पहले तुम्हें अपने घर लेके चले गए और फिर तुम्हारे घर आ गए. So I was thinking, अगर ये हमारी क्लास को सेल्स पे स्पीच दे सके तो, लाइक स्टीव जॉब्स, व्हाट अ मिलियन ऑन यूट्यूब. हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है. क्यों मिस्टर अली? एक्चुअली हम जो भी बेचते हैं बहुत मोहब्बत से बेचते हैं. ये अच्छा है, एयर टिकट खरीदो और प्रेम मुफ्त में. आप क्या बेचना चाहते हैं राहुल साहब जो आपसे बिक नहीं रहा, जिसके लिए आपको एक सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ गई? मैं आपकी तरह दुकानदार नहीं हूं मिस्टर अली, मैं आपसे सेल्स की ट्रेनिंग जरूर लेता मिस्टर अली. अब राहुल बहुत अच्छी पेंटिंग करता है और गिटार तो बहुत अच्छा प्ले करता है और पायल बहुत अच्छा गाती है. क्या है ना, संगीत से बहुत लगाव है इसको. हमारी एक परफॉर्मेंस भी मिस हो गई थी ना, when he snatched your passport. नहीं, इनकी वजह से तो पासपोर्ट मिला था. हाँ, how can I forget? उस वक्त तो ये अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे by laws, by principles, है ना? अगर ये ना होते तो मैं यहाँ ना होती राहुल. थैंक यू मिस्टर अली, आपकी कोशिश की वजह से मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड मुझ तक वापस आ गई. अच्छा, आप भी काफ़ी चलाक हैं, इसको देखने के लिए यहाँ आ गए कि क्या ये वाकई अपने घर आई है या फिर कहीं और. आई थिंक मिस्टर अली बोर हो रहे हैं. नहीं, आई एम ओके. वैसे भी आपकी और मेरी पसंद शायद एक ही है. Oh really? वैसे शाम में एक डांस पार्टी है, वहाँ पे मिलते हैं, चिल करेंगे. You drink? नहीं नहीं, he don't drink. I don't think so he would. क्यों मिस्टर अली? जी, I don't drink. देखा? He's a true Muslim. और ये पैशन इनको इनकी मदर की तरफ से मिला है. वैसे मेरे भी काफी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो almost drink. He is so special, Rahul. I'll take leave now. जब मैं होटल जाना है. अरे 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 अरे, आप तो घबरा गए. भाई आपको जबरदस्ती नहीं पिलाएंगे. आपको होटल याद आना शुरू हो गया क्यों? नहीं, आप लोग एंजॉय करें. See you later. हम ड्रॉप कर देते हैं ना? नहीं, I'll walk. वैसे ठीक बात है ना, अकेले जाएंगे तो यहाँ आसपास क्या है क्या नहीं ये भी जान पाएंगे. Nice meeting मिस्टर अली. I don't mind. Thank you. Bye. Strange man. I think we should leave now. What? Come on, Payal, बैठते हैं ना, चिल करेंगे. No, Rahul. Let's go home. Okay, let's go. अरे बेबी, तुम रो रही हो? नहीं मॉम, बस ऐसे. क्या मतलब ऐसे ही? अरे but this is serious. बस ऐसे ही मॉम, उदास हो रही थी. क्या है तुम्हारे दिल में? जो बात तुम्हें दुखी कर रही बता दो ना. तुम पहले कभी नहीं रोती, जब से पाकिस्तान से आई हो तुम रो ही रही हो. There's some problem. मुझे बताओ ना, आई एम योर फ्रेंड. जो हो गया उसे भूल जाओ अब ना. भूलने की तो कोशिश कर रही हूँ मॉम. ये भूलने का तरीका है, दिस इज वेरी बैड. आई थिंक यू हैव टू सी अ डॉक्टर. मैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेने लगी हूँ. अरे पता नहीं क्या हुआ है वहां पे तुम्हारे साथ,
बट यू गॉट टू फॉरगेट इट. हाँ वो मिस्टर अली आए हुए हैं पाकिस्तान से. कौन अली? वो जिन्होंने मेरी हेल्प की थी. ओह ओके, तो तुम मिली उससे? कोई बात हुई है क्या? नहीं मॉम. कोई बात तो हुई है जरूर, तुम रो क्यों रही हो? जरूरी नहीं है कि कोई वजह हो तभी मैं रो. बेबी कैसी बातें कर रही हो, कम सिट. मुझे परेशान कर रही हो तुम. तुम्हारे दिल में जो भी है ना मुझे बता दो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. मॉम मेरे दिलो दिमाग में कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग टू शेयर विद यू. उस अली से बाहर क्यों मिली तुम? बस ऐसे ही, दिल नहीं चाहा. अरे इतना बड़ा फेवर किया उन्होंने हम पे, क्या सोचेगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मॉम प्लीज डिटेक्टिव ना बने. आई नो ही हेल्प मी आउट. मैं बस ऐसे ही कोई ताल्लुक बढ़ाना नहीं चाहती. Why I smell something fishy? Mom, chill करे. I'll be alright. ठीक हूँ मैं. You know कि मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा. लेकिन since you've come back from Pakistan, you've been crying non-stop. तुम्हें क्या लगता है? This is easy for me. आसान है ये देखना. Mom, आप फिकर ना करें. मैं हंसना नहीं भूली हूँ. सिर्फ रोना भूल गई थी, वो ही याद कर रही हूँ. क्या बात है बेबी? तुम्हें कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? Are you in love? क्या मोहब्बत? पायल, I have told you, love शव कुछ नहीं होता. It's just one big trap. Please keep yourself protected. कैसे दूर रहूं जबकि मैं भी उस मोहब्बत का एक लम्हा हूं, ठहरा हुआ. देखो आई एम वार्निंग यू, ये जाल है, जाल है, दूर रहो इससे. मामा आपके नुकसान का अंदाजा है मुझे, पहले तो सिर्फ सुना हुआ था, अब तो खुद देख कर आई हूँ. अली यहाँ क्यों आया है, तुमसे मिलने? मुझे नहीं पता, उनकी ट्रैवल एजेंसी है, शायद वो उसी के सिलसिले में आया. प्लीज़ आंटी खुद को संभालें, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी. रो नहीं तो क्या करूं फिर मैं? दुख तो इस बात का है कि वो बख़ैर मिले और मैं पता ही चला क्या. बदकिस्मती उसकी आंटी. बदनसीबी तो मेरी है, मैं खाली हाथ रह गई. प्लीज ऐसा मत कहें आंटी, अभी थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा. मां को दुख देकर वैसे भी कोई सुखी नहीं रह सका. आशा जवान बहन है उसके घर पर, उसने एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि क्या होगा. कैसी कैसी बातें बनेंगी. कोई फोन नहीं किया उसने पहुंचने के बाद? अगर उसे इतना एहसास होता तो ये दिन दिखाता वो. मैं कभी नहीं सोचा था कि अली ऐसा करेगा. यकीनन मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही. बद्दुआ भी नहीं दे सकती वरना
वरना दिल तो मेरा ये चाहता है कि मैं आसमान की तरफ हाथ उठा उठा कर कहूं कि अली तुझे खुदा पूछे। आंटी प्लीज ऐसा मत करें। माँ की बद्दुआ तो वैसे ही आसमान तक पहुंच जाती है, आप बस दुआ करें कि बाहर रास्ते पर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मी क्या हो गया, क्यों टुकड़ों में रो रही है, एक दफा रो ले। आंटी प्लीज मत रोएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इरफान भाई क्यों अम्मी को तसल्ली दे रहे हैं? हाँ वो फिर ख्वाब देखेंगी जो पूरा नहीं होगा, फिर उस ख्वाब को याद करके रोएंगी। अम्मी आप मान क्यों नहीं लेती कि कुछ ठीक नहीं होगा? ममता का तो कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता एक माँ के सिवा। अम्मी कुछ नहीं होता ये दुख वुख, सब हकीकत होती। हमसे मानी नहीं जाती इसलिए हम उसे ये कहते हैं। माँ की दुआएं तो तकदीरें बदल देती हैं आंटी, आप बस दुआ करें वो जल्दी वापस आ जाएगा। अच्छा वो आपकी एक दवाई नहीं मिली फार्मेसी से तो आपको क्या जरूरत है जाने की? आप मुझे फोन कर देती, मैं ले आता। इरफान भाई आपको बार बार फोन करके क्या तंग कर रही हूँ, मार्केट तो रोज जाना होता है। जिस बच्ची ने तालीम के अलावा कभी बाहर कदम नहीं रखा था उसको कैसी मुसीबत ने घेर लिया। Payal, your travel agent is a very good salesman. I'm impressed. Yeah, right. Ticket लेने गई थी, घर ही ले गए। Thank you, Mr. Ali. आपकी कोशिश की वजह से मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड मुझ तक वापस आ गई। अरे इरफान क्या हो गया तुझे? मैं इतनी दूर से तुझे कॉल कर रहा हूँ और तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहुत दूर हो गया तू। अली को फोन तो करना चाहिए था आपको, कमाल है यार। कमाल ही कमाल हो रहा है। खैर छोड़े इरफान भाई, अगर उनका फोन भी आएगा तो अब मैं नहीं उठाऊंगी। मैं ईमेल करता हूँ उसको। आपको भी फोन आए तो आप ना उठाइएगा। हमसे अम्मी तक पैगाम पहुंचा दिया और खुद फारिग हो गए। खैर लैंडलाइन पे कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है अम्मी फोन उठाएंगे। डर लगता है यार कहीं आंटी बद्दुआ ना दे उसको, बड़े दिल से नींद नहीं रहेगा। बड़े निराले आशिक हैं वो, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। खैर अब आपको सौदा वगैरह लाने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा, सुबह और शाम को चक्कर लगा लेगा। फान भाई आपको थैंक्स कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है। कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपना ख्याल रखिएगा और खासतौर पर आंटी का ख्याल रखिएगा। इरफान मैं अली, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। अली इरफान हेलो, हेलो
हाँ बोल, किस लिए फोन कर रहा? अपने घर वालों की खैरियत पूछनी है ना तुझे? अरे इरफान क्या हो गया तुझे, मैं इतनी दूर से तुझे कॉल कर रहा हूँ। तू ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत दूर हो गया तू।